हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपने छुट्टियां अच्छे से एंजॉय की होगी। अब छुट्टियों के बाद हम अपने वर्क पे वापस आते हैं। अब आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो मैं आपको चैप्टर फर्स्ट से रिवाइज करवाऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट नंबर अप टू 99,999। हम इसके सबसे पहले प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू को समझेंगे। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। मैं आप यहाँ पर कुछ डिजिट लिखूंगी, आपको उसमें उसकी फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू बतानी है। ओके, हम बात करेंगे अब यहाँ पर इस फाइल जो मैं अंडरलाइन करूंगी या जिसको मैं सर्कल में रखूंगी, आपको उसी की फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू बतानी है उस नंबर की। ओके, ये देखिए फर्स्ट एग्जांपल हमारा है 2504। इसमें आपको फाइव की ही प्लेस वैल्यू बतानी है और फाइव की फेस वैल्यू बतानी है। प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू जो होती है, जो जहां पर जिस नंबर की हमें पूछी है, वो जो जिस प्लेस पे होता है। ओके, जिस प्लेस पे होता है वो उसकी फेस वैल्यू, सॉरी प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है, पहले हम ये बताएंगे ये वंस की प्लेस पे है, ये टेंस की प्लेस पे है, और ये हंड्रेड की प्लेस पे, और ये थाउजेंड की प्लेस पे है। अब ये देखिए, ये जो फाइव है वो कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? हंड्रेड की प्लेस पे स्टैंड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि फाइव की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 500। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 5 जहां पर है उसके बाद उसकी कितनी डिजिट और है उतनी ही हम जीरो लगा देंगे। जैसे 5 है, 5 के पास कितनी डिजिट है? 1 एंड 2, तो हमने 2 जीरो लगा दी। ओके, एंड 5 की फेस वैल्यू क्या होगी? फेस वैल्यू वो का वो नंबर होगा, मतलब फेस वैल्यू होगी 5। ओके, वो कहीं पे भी हो वो सीधा एज इट इज नंबर लिख देंगे, वो उसकी क्या हो जाएगी? फेस वैल्यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 3642 है। तो इसमें 4 की आपको क्या पूछी है? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू पूछी है। तो 4 कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड। ये देखिए टेंस की प्लेस पे है। टेंस का मतलब देखो, यहाँ पर एक डिजिट है तो हमने एक जीरो लगा दी। ठीक है, और टेंस की प्लेस पे है यानी 4, ये यहाँ पर होगा 40। ठीक है, और इसकी फेस वैल्यू क्या होगी? वो का वो नंबर 4। और इसी तरीके से इस नंबर में, इस डिजिट के अंदर, इस 6 की हमसे क्या पूछी है? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो पहले हम इसे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड और 10,000 ये लिख लेंगे। अब ये देखिए 6 कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? थाउजेंड की प्लेस पे, यानी इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 6,000। ओके, आ गई समझ? ओके, एंड फेस वैल्यू क्या होगी? होगा वो नंबर 5। ठीक है, एंड अब इस डिजिट में, नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर आपको 5 की क्या पूछी है? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो हम यहाँ पर देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, और ये आपका 10,000 है। तो अब ये 5 जो है इसके पीछे कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4 डिजिट है, तो हम उतनी ही यहाँ पर क्या लगा देंगे? 0। यानी इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 की 50,000। ओके, और प्लेस वैल्यू क्या होगी? 5। क्लियर स्टूडेंट? ओके, आई इरेज इट एंड एक्सप्लेन अबाउट एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म, पहले हम बात करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म की। ओके, 3, 7, 4, 2 इसकी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी है। देखिए इसमें भी वही वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड। ओके, तो हम इसको ब्रेक करके कैसे लिखेंगे? अलग अलग मतलब इसका विस्तारित रूप लिखेंगे। एक्सपेंडेड का मतलब होता है विस्तारित रूप लिखना।
जैसे पहले हम देखेंगे थ्री कहाँ पर है, थाउजेंड की प्लेस पे, तो उसके पीछे कितनी जीरो लगेगी, वन टू थ्री, 3,007, 700 की प्लेस पे है तो यहाँ पे लिखेंगे 700, और 4 टेंस की प्लेस पे है इसका मतलब 40, एंड 2 वंस की प्लेस पे है तो हमने लिख दिया 2। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 4, 6, 9, 4, 2, कितना भी बड़ा नंबर हो हम उसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं जब हमें पता है। ये आप जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है इसको ध्यान रखोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड और 10,000, ओके। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 4 जो है वो कहाँ पर है, 10,000 की प्लेस पे, यानी 40,000 हो गया ये। अभी 6 जो है वो 1000 की प्लेस पे है तो यहाँ पर हो गया 6,000, एंड 900 की प्लेस पे है तो 900, एंड 4 टेंस की प्लेस पे, ये आपका हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म की, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, इसमें ये जो है इसका अपोजिट है, ठीक है। अब हमें मान लो एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है 3,000 + 200 + 40 + 5, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए 1000 की पहले हम लिखेंगे 1, 10, 100, 1000, ठीक है। अब ये जो है 3 जो है वो कहाँ पर है, ये इसका मतलब 3000, तो यानी हमने ये 3000 की प्लेस पे लिख दिया, और 2 जो है वो 100 की प्लेस पे लिखेंगे, एंड 4 लिखेंगे 10 की प्लेस पे, एंड 5 वंस की प्लेस पे। आप इसको बना के भी देख लीजिए, ये देखिए 3000, फिर उसके बाद 200 + 4, 40 + 5, अब आप इसको ऐड करेंगे तो 5, 4, 2, 3 यही आ रहा है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसकी इस एक्सपेंडेड फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म की एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ओके, समझ गए। अब हम करेंगे नंबर्स नेम, ये आपको नंबर दिया हुआ है, इसको आपको स्पेलिंग लिखनी है इसकी, देखो ये वंस की प्लेस पे, ये टेंस की प्लेस पे, ये 100 की और ये 1000 की, तो ये क्या बनेगा 6253, क्या बना 6253, एंड नेक्स्ट ये देखो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड और ये आपका 10,000, यानी 41, इसको हम इसके साथ में पढ़ेंगे, ठीक है, 41,900 478 and 4578, इन दोनों नंबर को कंपेयर करके बताना कि आपको कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको, वंस, टेंस, हंड्रेड और ये थाउजेंड, है ना। तो इसमें ये देखिए हम यहाँ से थाउजेंड के पेज से देखना शुरू करते हैं, देखिए 4, 4 दोनों में इक्वल है, 6 और यहाँ पर 5 है, यानी 100 की प्लेस पे यहाँ 6 है और यहाँ पर 5 है, इसका मतलब नंबर कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला, तो एरो का किधर ओपन होगा, 4678 की तरफ ग्रेटर देन का साइन लगेगा, ओके। अब ये नंबर की बात करते हैं, ठीक है, 54
01 और 66793 इन दोनों में हमें कंपेयर करना है। देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तीन दोनों में 5 5 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे 1, 10, 100, 1000 और ये हमारा 10000। अब यहाँ से ही दिख रहा है, यहाँ तो 5 है और यहाँ पर 6 है, ये पहले ही आ रहा है कि जो नंबर जिसमें बड़ा होगा, क्योंकि दोनों की डिजिट सेम है, ये भी 5 डिजिट का नंबर है और ये भी 5 डिजिट का नंबर है, और यहाँ 10000 की प्लेस पे 5 है और यहाँ पर है आपका 6, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, ये वाला। इस तरीके से आप कंपेयर करके आप ग्रेटर देन और इसका साइन लगा सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? थैंक यू।